देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। टिकटॉक को अमेरिका और कुछ और देशों के लिए खरीदने की तैयारी में माइक्रोसॉफ्ट। नई दिल्ली, 3 अगस्त 2020। टिकटॉक को अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकता है। अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से बातचीत की है। चीनी ऐप टिकटॉक भारत में बैन हो चुका है और अमेरिका में भी बैन होने की कगार पर है। अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि इस ऐप पर बैन लगाया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि माइक्रोसॉफ्ट इस ऐप को खरीद सकता है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से बातचीत की है। माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा है कि कंपनी माइनॉरिटी बेसिस पर अमेरिका निवेशक को इसमें हिस्सा लेने के लिए इनवाइट कर सकती है। इससे पहले भी ये बात चल रही थी कि अमेरिका में टिकटॉक बिक सकता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका में टिकटॉक को खरीदने के लिए बातचीत करने को तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट के इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि कंपनी अमेरिका के हित के लिए ही टिकटॉक खरीदने के बारे में सोच रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप इस ऐप की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। इसलिए अमेरिका हितों के लिए कंपनी अमेरिका में टिकटॉक का अधिग्रहण कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के साथ अधिग्रहण के लिए की जाने वाली बातचीत 15 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदती है तो ये ऐसा नहीं होगा कि टिकटॉक पूरी तरह माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा, बल्कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में यूज किया जाने वाला टिकटॉक ऐप माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका में टिकटॉक की डेटा पॉलिसी और चीन के साथ अमेरिका के तलख रिश्तों की वजह से यह ऐप वहां कभी भी बैन किया जा सकता है। टिकटॉक अमेरिका में भी काफी पॉपुलर हो चुका है, ऐसे में इस ऐप को माइक्रोसॉफ्ट खरीद कर कम से कम डेटा सेफ और सिक्योर रखने की बात तो कर ही सकती है। बहरहाल टिकटॉक ने भी एक बड़ा कदम उठाते हुए डेटा और ऐप ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐप का एल्गोरिदम जारी करने का भी ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, टिकटॉक ने फेसबुक पर इल्जाम भी लगाया है कि इंस्टाग्राम की रील्स फीचर टिकटॉक की कॉपी है और एल्गोरिदम जारी करने कंपनी दुनिया को ये दिखाएगी कि कैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम के लिए टिकटॉक का कॉपी कर लिया है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना न्यूज़ चैनल और न्यूज़ नेशन जो कि बिल्कुल फ्री है।